हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांके लाल सीरीज की अगली कॉमिक्स बांके लाल और डकारू। कंकड़ बाबा की शाप के कारण राजा विक्रम सिंह और बांके लाल इस बार जा पहुंचे विचित्र लोक में। सब लोग से गायब होकर अब हम कहां पहुंचे हैं महाराज। जब ओखली में सर दे ही दिया है बांके लाल तो फिर कहीं भी पहुंचे मूसल से क्या डरना। अरे ये क्या महाराज, आपके तो पूंछ निकल आई है, पूरा लंगूर दिख रहा है। पूंछ? बांकेलाल तुमने शायद अपना होलिया नहीं देखा, तुम्हारी पूंछ तो मुझसे भी लंबी है। क्या? कंकड़ बाबा के शाप के विषय में जानने के लिए पढ़े बांकेलाल और देवता की मणि, जो कि वॉइस मोड पर चैनल पर उपलब्ध है और आपको बांकेलाल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बुरा हो कंकड़ बाबा का, न जाने अभी और कितने रूप बदलने होंगे। ओह ये लंगूर मुझे चिढ़ा रहा है, अभी मजा दिख चखाता हूं इसे। बांके के फेंके पत्थर से उस लंगूर का तो कुछ ना बिगड़ा बल्कि ताक। बाप रे ये लंगूर तो बड़ा खतरनाक है, भागो। इसी पल चौंक पड़े राजा विक्रम सिंह और बांकेलाल। बांकेलाल ये अंडे जैसी क्या वस्तु पड़ी है यहाँ। ये अंडा ही है महाराज, मगर इतना विशाल अंडा, और ये आवाजें तो इसी अंडे की टूटने की लगती है बांकेलाल। कड़कड़। अगले ही पल तेज आवाज के साथ वह विशाल अंडा कई टुकड़ों में बदल गया और किसने जगाया डकारू को नींद से। डकारू? ये अजीबोगरीब प्राणी कौन है बांकेलाल? मैं तो केवल इतना जानता हूं महाराज कि अगर प्राण बचाने हैं तो भाग निकलिए। अरे ठहरो बांकेलाल, उफ आ, रुकने का समय नहीं है महाराज। डकारू जो कुछ कहने से पूर्व डकार मारता है दोनों के पीछे लपका, लेकिन शीघ्र ही उफ, दोनों जाने कहां गायब हो गए, लेकिन मैं भी ठहरा डकारू उन्हें ढूंढ ही निकालूंगा इस विचित्र लोक में। अब चलू डकारू बस्ती में, मेरे जाने के बाद ना जाने डकारू वासियों का क्या हाल हो रहा होगा। उधर राजा विक्रम सिंह और बांकेलाल एक स्थान पर आकर रुके। बांकेलाल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम समय रहते मुझे अपनी पूंछ से बांध ना लेते तो शायद अपने मोटापे के कारण मैं ठीक से भाग ना सकता और डकारू के शिकंजे में फंस जाता। इस मुच्छड़ को मैंने कब बांधा है, कब बांधा अपनी पूछ से। मेरी पूछ एकाएक भारी हो जाने का रहस्य तो मुझे ही अब पता चला है। और तभी अरे मगर ये धरती एकाएक हिलने क्यों लगी है। मोटे मुच्छड़ तेरे वजन से तो पहाड़ भी हिलने लगे, फिर धरती की क्या मजा। मगर ये धरती तो सचमुच हिल रही है। तभी विक्रम सिंह के मुंह से चीख निकल गई, बांकेलाल बाढ़ आ गई है। बाढ़ नहीं आ गई मोटे, हम नदी में आ गए, मगर कैसे। तुम जहाँ खड़े थे वह धरती नहीं बल्कि मेरी पीठ थी। ये क्या है बला, ये क्या बला बांकेलाल, मर गए आसमान से गिरे खजूर में अटके। मेरा नाम शिकार हुआ है। अपने शिकार को ऐसे फंसाकर पहले बीज धारा में ले जाता हूँ, फिर अपने बीवी बच्चों के साथ मिल बांट कर आता हूँ। बांकेलाल इस मुसीबत से बचना है तो कूदो और जितना तेज हो सके किनारे की ओर तैर लो। भोले शंकर तूने कहाँ फंसा दिया मुझ शराफत के पुतले को। छपा। अरे शिकारों के शिकार भाग रहे हैं, अब जब तक मुड़कर मैं इनका पीछा करूंगा तब तक तो ये दोनों दुड़की हो लेंगे। बाल बाल बचे बांकेलाल। महाराज बच गया वो डकारू नाम का कछुआ, शिकारू नाम का कछुआ, वरना कहीं मुझे खा लेता तो सात जन्म तक लोटा लिए नदी के किनारे ही काटता रहता, नदी के चक्कर ही काटता रहता। उफ इतना विशाल कछुआ आज तक नहीं देखा था। विचित्र लोक, पहले वह विशाल अंडा, फिर वह विचित्र कछुआ। महाराज हम विचित्र लोक में पहुंचे हैं, वह देखिए। ओ तभी हमारे शरीर में ये विचित्र परिवर्तन हुए हैं। बांकेलाल देखा कैसा विचित्र पक्षी है। ये विचित्र लोक है महाराज, यहाँ की प्रत्येक वस्तु विचित्र वानों की ही होगी। किंतु बांकेलाल रात गहरा रही है, इससे पहले कि चहूं और अंधेरा छा जाए हमें इस विचित्र लोक में अपने सिर छिपाने की जगह ढूंढ लेनी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था महाराज, आइए कोई उपयुक्त स्थान ढूंढ लेते हैं रात बिताने का। उधर डकारू बस्ती गूंज उठी एक भयंकर डकार। ये तो सरदार की डकारने का स्वर है, इतनी तेज डकार केवल सरदार ही मार सकते हैं। सभी डकार वासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। सरदार लौट आए। पायला वो सरदार। अरे ओ तांबा, अब कैसा है रे तू। सरदार तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हारे जाने के बाद तो हम अनाथ ही हो गए थे। और सरदार
लंगरपुरी के लंगूरों ने अब हमें नजराना देना भी बंद कर दिया। लंगरपुरी के लंगूरों की ये मजा और भयंकर डकार निकली डकारू के मुंह से। बरकम तल तल आदेश सरदार। इसी समय लंगरपुरी जाओ और हमारे ये आदेश जाकर लंगूरों के मुखिया खू खां को दे दो कि इधर बांकेलाल और विक्रम सिंह महाराज इधर देखिए। वाह बड़े ही विचित्र फल हैं, आधा नाम जैसा आधा आम जैसा आधा सेब जैसा। बांकेलाल ने एक फल तोड़कर विक्रम सिंह को दिया। पहला फल आप स्वयं ग्रहण करें महाराज, वनों में पके हुए रसीले दिखने वाले फल कभी कभी विषैले भी होते हैं। अगर ये फल विषैला हुआ तो इसे खाकर मच्छर जरूर मरेगा और इस प्रकार मैं ये फल खाने से बच जाऊंगा। हे, क्यों नहीं बांकेलाल, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। बांकेलाल फल तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं तो कुछ फल और खाऊंगा। ओह इसका मतलब फल विषैले नहीं, वाह। उसके बाद दोनों ने फल खा खाकर गुठलियों के ढेर वृक्षों के नीचे लगा दिए। वाह मजा आ गया बांकेलाल, आधे से अधिक फल तो इसकी मूछे खा रही हूं, सचमुच आनंद आ गया फल खाकर। अरे ये दोनों, अरे इन दोनों दो वृक्ष के आधे फल चूस डाले हैं, पकड़ लो इन दोनों चोरों को, ले चलो इन्हें मुखिया खूं खां के पास। अरे मगर ये फल क्या तुम्हारे बाप के हैं? यह तो तुम्हें लंगूरपुरी के मुखिया खूं खां के पास पहुंच कर ही पता लगेगा। महाराज अगर आप कहें तो मैं अभी इन्हें मजा चखा दूं। नहीं बांकेलाल, इनके मुखिया से मिलने में कोई हानि नहीं दिखती, हम उन्हें समझा देंगे कि हम कोई चोर नहीं। चलो भाइयों ले चलो हमें अपने मुखिया खूं खां के पास। इस उद्यान के फल भूल से भी खाने वाले को सिर्फ एक ही दंड मिलता है, मृत्यु दंड। उसी समय भरकम दलदल और गलघोटू जा पहुंचे लंगूरपुरी। क्यों रे मुखिया खूंखा सरदार, डकारू के लौट आने का समाचार सुनकर तेरा चेहरा पीला क्यों पड़ गया? डकारू महर्षि उधेड़बुन की कैद से निकल गया, लंगूरपुरी के वासियों तुम भी सुन लो सरदार डकारू का संदेश। शबरी बाग के सभी फलों पर केवल डकारू वासियों का अधिकार होगा, क्योंकि शबरी बाग के फलों को खाकर ही डकारू वासियों का हाजमा ठीक रहता है और वे अधिक डकारू से बचे रहते हैं, और जिससे कि उसकी शारीरिक शक्ति नष्ट नहीं होती। इसलिए 10 टोकरे शबरी बाग के फलों के साथ हमारे पांव दबाने के लिए अपने 2 लंगूरों को भी नजराने में भेज दो। अगर तुमने हमारा यह आदेश मानने से इनकार किया तो दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो, तुम्हारा प्यारा मित्र सरदार डकारू। हमें कुछ देर सोचने का समय दो दलदल, तब तक तुम हमारे मेहमान बनकर रहोगे। तीनों डकारू वासियों को मेहमान घर पहुंचा दिया गया। तभी मुखिया जी की जय हो। अरे पूछलम ये कैसे पकड़ लाए हो? ये दोनों चोर शबरी बाग के फल चुरा कर खा रहे थे मुखिया जी। किंतु मुखिया हम चोर नहीं है, अगर हमें मालूम होता कि उस बाग के फल मुखिया खूं खां ने क्रोध में आकर आदेश दिया, इन दोनों को तुरंत दलदल के साथ भेजने की व्यवस्था करो। दोनों के सिर पर 5-5 टोकरी शबरी बाग के फलों के रख दिए गए और मरवा दिया इस विक्रम सिंह ने। ना जाने ये टोकरे लेकर अब कितनी दूर और कहां जाना होगा। शीघ्र ही दलदल हमारे मुखिया खूं खां ने सरदार डकारू के लिए तोहफे भेजे। सरदार डकारू हा 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 हा। अगले ही पल नहीं बांकेलाल ये तो हमें डकारू के पास, उफ अब भागने का भी समय नहीं है, तुरंत ही कुछ करना होगा, डकारू बिना डकार मारी हमें हजम कर जाएगा। इधर गलघोटू ने विक्रम सिंह और बांकेलाल को दबोच लिया, तुम्हारी ये मजा फलों के सभी टोकरे गिरा दिए। गलघोटू इनके गले घोट दो, अब लंगूरपुरी के 4 लंगूर हमारे सरदार के पांव दबाने के लिए हमारे साथ जाएंगे। दलदल का आदेश सुनते ही हा 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 दुश्मनों के गले घोटने के लिए मेरे ये 2 हाथ बेचैन रहते। ठीक उसी समय विक्रम सिंह की पूछ गलघोटू की टांगों से लिपट गई और यह देख दलदल चीख पड़ा, भरकम कुचल दो इन मच्छरों को। अब तुम दोनों नहीं बचोगे। लेकिन भरकम की राह में आ गई विक्रम सिंह व बांकेलाल की पूछ। दोनों की पूछों में उलझ कर भरकम धड़ाम से चारों खाने चित। ये क्या, अब दलदल स्वयं आगे बढ़ा, दलदल तुम्हारा कचूमर बनाए बिना नहीं छोड़ेगा। था दलदल टकराया पेड़ से, क्योंकि बांकेलाल विक्रम सिंह एक तरफ हट गए थे। हा 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 दलदल ने वह वृक्ष उखाड़ लिया। इधर गलघोटू पुनः उठकर बांकेलाल तथा विक्रम सिंह पर झपटा, अब तुम्हारे गले घोट दूंगा।
इसी पल दलदल ने वृक्ष बाकेलाल तथा विक्रम सिंह पर उछाल फेंका। बचो बाकेलाल! गलघोटू के मुंह से निकली भयंकर टकार। हाय मर गया मैं तो। अरे दोनों कहां गए? मेरे काम में ये, मेरे कान में ये गुलगुली सी कैसे हो रही है? ओह ये दोनों शैतान वहां छिपे बैठे। अब कहां जाएंगे दोनों बचकर मेरे नुकीले सींगों से? लेकिन ऊपर पहुंचने से पूर्व ही, अरे ये क्या, ये तो फांसी के फंदे हैं। हाँ बेटे, और अब तुझे फांसी पर ही लटकाएंगे हम। बाकेलाल विक्रम सिंह ने अपनी पूंछ को जरा सा झटका दिया तो नहीं बचाओ रे। फिर ये दोनों बड़े खतरनाक है, भाग निकलने में ही भलाई है। वे तो भाग निकले। हा हा हा, भाग गए तीनों कायर कहीं के। उन्हें छोड़िए महाराज, आइए हम भी भाग चलते हैं। वो तो भाग गए, किंतु अब तुम दोनों बचकर नहीं भाग सकते। खबरदार, हिलना मत, बुरे फंसे शीघ्र ही। क्या इन दोनों ने दलदल भड़कम और गलघोटू जैसे दानवों को मार भगाया? जी हाँ मुखिया जी, और अब डकारू उनका बदला लेने के लिए यहाँ जरूर आएगा। ओह, इन दोनों मूर्खों के कारण लंगूरपुरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेदार और डकारू के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।